अगर ताजमहल को तोड़कर और कुतुब मीनार को तोड़कर उनके स्थान पर एक मंदिर बना दिया जाए, नमस्कार दोस्तों अगर ताजमहल को तोड़कर और कुतुब मीनार को तोड़कर उनके स्थान पर एक मंदिर बना दिया जाए तो कैसा लगेगा। खैर बाद में चाहे जैसा भी लगे, फिलहाल जो लोग मुझे देख रहे हैं उनमें कुछ लोगों को अच्छा लग रहा है, कुछ लोगों को कुछ ज़्यादा ही बुरा लग रहा है। खैर बुरा लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि आपने पूरा मामला ही नहीं समझा है। और पूरा मामला तो तब समझ में आएगा जब आप इस वीडियो की भाषा समझ जाए। ताजमहल भांगी और कुतुब मीनार भांगी मैं तो माननीय देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डांगरिया आहवान जानम ताजमहल भांगी और कुतुब मीनार भांगी तक डागर विश्व सबके धुनिया और मंदिर निर्माण देख लिया। दोस्तों इस वीडियो की भाषा कुछ लोगों को समझ में आई होगी और कुछ लोगों को समझ में नहीं आई होगी। खैर जिनको समझ में नहीं आई है उनके लिए मैं बताता हूँ इस वीडियो में क्या खास आ रहा है। दरअसल इस वीडियो में जो शख्स दिख रहे हैं बोलते हुए वो कोई और नहीं बल्कि असम के बीजेपी MLA यानी विधायक रूप ज्योति कुर्मी हैं। जी हाँ, रूप ज्योति कुर्मी हैं। ये प्रधानमंत्री से आग्रह कर रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री मोदी से निवेदन कर रहे हैं कि वो ताजमहल और कुतुब मीनार को गिराकर तोड़कर उनके स्थान पर मंदिर बना दें। अगर ऐसा किया जाता है तो मैं अपने एक साल की सैलरी डोनेट कर दूंगा, यानी दान कर दूंगा। बट मुझे यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न ये हो रही है कि अपनी एक साल की सैलरी क्या वहाँ मंदिर बनेगी तो उनमें बैठे पुजारियों को देंगे, या फिर ताजमहल और कुतुब मीनार तोड़ने और गिराने के उपलक्ष्य में BJP को इनाम देंगे। दोस्तों अगर ताजमहल या कुतुब मीनार के साथ इस तरह की छेड़छाड़ की जाती है, हरकतें की जाती है, तो मेरे हिसाब से लगता है कि यह बेहद शर्मनाक है, बुरा भी है। क्योंकि ताजमहल सिर्फ अपने आकर्षण के लिए नहीं जाना जाता, अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता, बल्कि विश्व विरासत का एक 7वां अजूबा है और इस तरह के अजूबों को बचाए रखना जिम्मेदारी है। तो यार इतनी बड़ी अजूबा को पूरी दुनिया भर के लोग देखने के लिए हमारे देश में आते हैं, जिससे कि विदेशी इनकम हमारे देश में ज़्यादा होती है। तो ऐसे चीज़ को फालतू ये लोग बकवास करके लाइमलाइट में आने की कोशिश करते हैं और माहौल ख़राब करते हैं। ऐसे लोगों पर सख्त कानून बनना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, ठीक है। बाकी इस तरह के विचारधारा के लोगों पर आपका क्या राय है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।